दिव्यांग क्षमता विकास समर कैंप 2019-20 अमरवाड़ी पुनर्वास केंद्र ताजोपुर मऊ के आयोजन में मुख्य अतिथि अध्यक्ष नगर पालिका परिषद मऊ मोहम्मद तैयब पालकी पहुंचे, तो वहीं सभासद मुकेश कुमार मुकुंद वार्ड नंबर 8 के सभासद प्रतिनिधि मनोहर अब्दुल गफूर, पालकी सोशल ग्रुप के एजाज पहलवान और पालकी सोशल ग्रुप के अबू अंसारी व क्षेत्रवासियों सहित भारी संख्या में स्कूल के दिव्यांग छात्र व छात्राएं उपस्थित रहे। बड़ी खुशी की बात है कि ये समर कैंप में बच्चों की प्रतिभाएं निखारने का काम किया जा रहा है। बच्चों को स्वावलंबी बनाना, अपने पैरों पर खड़ा करना और उनके जो क्षमता है उसको निखारने का काम, ताकि बच्चा शिक्षा के साथ साथ अपने पैरों पर भी खड़ा हो और दूसरे का मोहताज न बने। ये बहुत सराहनीय काम है। आज देखा जाता है सब कुछ दिया उसने और कुछ काम नहीं कर सकता, तो एक दिव्यांग से ज्यादा गया दिव्यांग, और दिव्यांग से अगर वो सब सीख लेता है तो दिव्यांग को रह नहीं गया, उसको सारी क्षमताएं हैं सभी करने की, काम करने की। ईश्वर ने ऐसी शक्ति दे दी उनको कि वो बहुत कुछ कर सकता है। आप किसी भी फील्ड में आप अपना किस्मत को अजमा सकते हैं। अब मैं भारत से कहूंगा कि छोटे छोटे उपकरण आते हैं, हर चीज में उत्पादन लागत देखी जाती है, हाथ से ही हाथ बनते हैं, मगर कुछ उसी में कुछ ऐसे छोटे छोटे इक्विपमेंट आते हैं जिससे उत्पादन लागत कम की जा सकती है। मैं ये चाहता हूं कि आपके जो भी उत्पादन बने उसको सेल हो जाए, तो आय का स्रोत बनेगा आपको, नई किसान मिलेगी। सिलाई कढ़ाई में बहुत चांस है, बहुत कुछ आप कर सकते हैं। बच्चियां खासकर आप टेलरिंग की दुकान कर सकती हैं, आप बहुत बड़ा दो चार पांच लड़कियां करा सकती हैं, कम हो जाता और बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो जाता। तो आप लोगों को सीखना है, मेहनत करना है और यहाँ पर हमेशा मानवीय सेवा के लिए अमरवाड़ी हमेशा समर्पित रहा है। किस तरह से बच्चों और बच्चियों के अंदर अंधकार है जीवन में, उसको किस तरह जोत जला दें, किस तरह से उनके जीवन में खुशी आ जाए, किस तरह वो पैरों पे खड़े हो जाएं, किस तरह से कहीं वो अपने को कमतर महसूस न करें, और वैसी अच्छी बच्चों में विधाएं हैं, स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक हों, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक का होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए जरूरी है कि साफ सफाई पे ध्यान दें, हर चीज पे ध्यान दें, मेहनत करें, इसलिए कि आप जब मेहनत की ये समर कैंप बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा और आपका संदेश दूर दूर तक जाए। बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं उम्मीद करता हूं कि यह समर कामयाब हो और बच्चे कुछ न कुछ सीख करके जाएं और अपने पैरों पर खड़े हों। धन्यवाद। आपने आशीर्वचन स्वरूप हमें दो शब्दों से संबोधित